जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर। साथियों, मैं एक और ARO का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो कि जो ARO का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो शिलोंग मेघालय वालों के लिए है। साथियों, आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो मैं इसमें आपका पूरा डिटेल दूंगा, आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसका, कि कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। साथियों, सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा, देखिए इंडियन आर्मी की जो बहाली है अब बहुत लेट नोटिफिकेशन आ रहा है सभी का। अभी आपने देखा कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं पर वो सब मेडिकल साइंस वालों के लिए आए हैं। जिसके पास डी फार्मा बी फार्मा की डिग्री है वही लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल लोग नहीं कर सकते जो 10th पास है। ठीक है साथियों, तो आप अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि अब जो मुझे ऐसा लग रहा है या फिर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे अब जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो सब अब 10th पास और 12th पास वालों के लिए ही आएंगे, क्योंकि अब जो मेडिकल साइंस वालों का नोटिफिकेशन है वो आना बंद हो गया है। ठीक है साथियों, शिलोंग और मेघालय वालों के लिए नोटिफिकेशन है, उनके लिए भर्तियाँ हैं। साथियों, मैं एक और गुड न्यूज़ आपको देना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट जबलपुर ARO से आते हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपकी जो रिलीज डेट है बहुत जल्दी आने वाली है। तो मैं इसका जो पूरा डिटेल है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी जो मैं बताने वाला हूँ शिलोंग मेघालय वालों का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सही समय में मिलती रहे। तो चलिए साथियों, मैं अब आपको आपका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस ARO क्यू शिलोंग। ठीक है साथियों, आर्मी डेली फॉर्म हैप्पी वैली शिलोंग मेघालय। तो साथियों, इसमें आपका ग्राउंड वेन्यू भी दिया गया है, हैप्पी वैली शिलोंग में आपका ग्राउंड है करके। ठीक है साथियों, और जो आपका रैली चल रहा है 7 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आपका रैली चल रहा है। ठीक है साथियों, तो ये आपका मैंने बता दिया हूँ कि कब से कब रैली चल रहा है और इसमें आप कौन से कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। मेघालय वाले आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, मेघालय में आप जो जो कैंडिडेट आते हो वो सब भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका जो रैली रहेगा 7 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में रहने वाला है, और जो आपका ग्राउंड है उसका ग्राउंड भी दे दिया गया है हैप्पी वैली शिलोंग करके। और जो आपका रजिस्ट्रेशन होना था दोस्तों, वो 27 फरवरी से 28 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। ठीक है साथियों, 29 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में आपका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। सबसे पहले आपका जनरल ड्यूटी है, GDS में आपको पता है 1750 से 2100 ईयर तक एज मांगा जाता है, और जो आपका एज काउंट किया जाता है 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में, और आपका जो हाइट होने वाला है 1.7 सेंटीमीटर होने वाला है, और जो आपका चेस्ट रहेगा 77+ रहेगा 5 इंप्रेशन। ठीक है साथियों, अब जो नेक्स्ट है वो निकला है आपका सोल्जर टेक्निकल के लिए, इसमें आपका एज लिया जाता है 1750 से 2300 ईयर तक, और आपका एज काउंट किया जाता है 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 तक, और जो आपका जो हाइट रहने वाला है वो 157 सेंटीमीटर रहने वाला है, और चेस्ट 77+5 इंप्रेशन रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट आई हुई है सोल्जर ट्रेडमैन ऑल आर्म्स के लिए आई हुई है, इसमें भी आपका जो एज 1750 से 2300 ईयर तक रहने वाला है, और जो आपका एज काउंट किया जाएगा 1998 से 2004 के बीच में, और इसमें आपको हाइट जो लिया गया है 160 सेंटीमीटर लिया गया है। चेस्ट आपका पहले ही हर ट्रेड में जैसा चेस्ट लिया जाता है वही चेस्ट आपका हर ट्रेड में लिया जाएगा। और जो लास्ट जो पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है वो है सोल्जर ट्रेडमैन जो 8th पास के लिए 10th पास के लिए है, इसमें भी आपकी जो एज है दोनों में सेम रहेगी, बस इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो सिंपल 8th पास मांगा जाता है। ठीक है साथियों, यदि एक और मैं आपको सूचना दे दूँ, यदि आपके फादर या ब्रदर आर्मी में है तो आपका रिलेशन के हिसाब से आपको इसमें छूट दिया जाता है, हाइट वेट और चेस्ट तीनों में। अब मैं ग्राउंड की बात करूं साथियों, तो ग्राउंड आपको सभी को पता है 1.6 किलोमीटर आपका ग्राउंड रहता है। यदि साथियों आप दिया 1.6 किलोमीटर 5.30 सेकंड में क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है और आपको 60 मार्क्स दिए जाते हैं। और यदि आप 1.6 किलोमीटर 5.45 सेकंड में क्वालिफाई करते हो तो आपको सेकंड ग्रुप में रखा जाता है और आपको 48 मार्क्स दिए जाते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी एक्सीलेंट मारे और 60 मार्क्स लेके जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है साथियों, और इसमें आपका जो पुलअप है उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए गए हैं, 10 पुलअप पे 40 मार्क्स है। तो आशा करता हूँ आप पूरी से पूरी पुलअप मारें, आप 100 का फिजिकल निकालें, तभी आपको पेपर में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है साथियों, तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको दे दिया हूँ, और डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो बना के दे दिया हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है करके। साथियों, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो इस एप्लीकेशन के नीचे आपको एक
टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, जैसा कि आप ये बॉक्स के अंदर देख रहे हो यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। आपको यदि कुछ भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ये नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर पर आप कॉल लगाकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों आप शिलोंग मेघालय वालों के लिए है। और एक और इम्पोर्टेंट डेट, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, यदि जब भर्ती में आप जाओगे तो नंबर पहला आपका जो कोविड का जो निगेटिव रिपोर्ट रहती है उसका जो डॉक्यूमेंट रहते हैं प्रमाण पत्र जो बनता है वो लेकर जाना, और नंबर सेकंड आपका मास्क लेकर बहुत ले जाना अनिवार्य है। नंबर तीसरा आपके पास हैंड सैनिटाइज़र होना बहुत ही ज़रूरी है, ये तीनों आप लेकर जाए। और एक और आप मैं बता दूं, यदि आपके पास एनसीसी, नंबर दूसरा स्पोर्ट्स से हो, या नंबर तीसरा आपके पास रिलेशन का सर्टिफिकेट है, ये तीनों आप लेकर जाइएगा क्योंकि ये तीनों में आपको बहुत ही ज़्यादा छूट मिलती है। ठीक है साथियों, एनसीसी का हो, स्पोर्ट्स का हो और रिलेशन का, आपको उसमें छूट दिया जाता है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रैली में भाग लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। तैयारी आपकी जारी रखिए क्योंकि जो भी एआरओ का जो भी नोटिफिकेशन है तो मैं अपने इस चैनल पर वीडियो बनाकर दे देता हूँ। और साथियों मेरे चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं आता है, आप पूरी वीडियो देख सकते हो। मैं पूरा रियल वीडियो बनाता हूं और पूरा नोटिफिकेशन के साथ बनाता हूं। मुझे लोगों को गुमराह करना नहीं आता है क्योंकि आप जैसे आप इंडियन आर्मी की तैयारियां कर रहे हो, मैं भी वैसे इंडियन आर्मी की तैयारियां करता हूं। मैं जबलपुर एआरओ से बिलोंग करता हूं। ठीक है साथियों, अब मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता दूँ। जबलपुर एआरओ की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया है कलेक्ट्रेट को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, श्रीमान जिला कलेक्टर जबलपुर ZRO जबलपुर सेना भर्ती ना आने पावन। ठीक है साथियों, अभी मैं इसका शॉर्ट वीडियो है ये आपको एक और इसकी वीडियो बनाकर दे दूंगा। जबलपुर एक बार बता दूं, जबलपुर वालों के लिए है ये मेन जबलपुर, आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये जबलपुर आपको दिख रहा होगा। जबलपुर वाले कैंडिडेट आपकी रैली डेट अब जल्दी आ जाएगी क्योंकि बहुत से सारे युवाओं ने इस पर कदम उठाया है कि हमारी भर्ती नहीं आ रही है करके, तो इसका नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सही समय मिलती रहे, और हम हमारे चैनल पर पूरी रियल जानकारी लेकर आते हैं, कोई फेक जानकारी नहीं होती है। और साथियों जल्दी मैं अपने चैनल पर आपकी इंडियन आर्मी की तैयारी भी कराऊंगा और जो इसका रियल पेपर होता है वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि किसका कैसा सिलेबस आता है और कैसा पेपर आता है करके। ठीक है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।